हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं कर्नाटका के एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट पर, मुरुडेश्वर महादेव टेंपल। तो वीडियो में आप आखिर तक बने रहिए, क्योंकि मैंने ये वीडियो डिटेल कवर किया है। इस वीडियो में आपको टेंपल का पूरा टूर मिलेगा, फिर आप म्यूज़ियम हम लोगों ने कवर किया है, मुरुडेश्वर थीम पार्क को कवर किया है, मुरुडेश्वर बीच और मुरुडेश्वर मार्केट को भी इस ब्लॉग में हमने कवर किया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट, और पूरे वीडियो को देखिए और मेरे साथ मुरुडेश्वर के दर्शन भी लीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों, सुबह के 6 बज चुके हैं और हम लोग हैं मुरुडेश्वर रेलवे स्टेशन। मुरुडेश्वर रेलवे स्टेशन आउटसाइड व्यू, तो सामने कुछ रिक्शो है और मुरुडेश्वर मेन टेंपल यहाँ से कुछ 1-2 किलोमीटर पर है। तो चलो जाते हैं रिक्शा पकड़ के। तो मुरुडेश्वर रेलवे स्टेशन से हमने पकड़ा है रिक्शा। तो ये है मुरुडेश्वर का मेन एंट्रेंस बाहर का, और मुरुडेश्वर टेंपल कुछ 3 किलोमीटर पे है यहाँ से। तो यहाँ पे भैया ने 60 रुपीज़ का रिक्शा चार्ज किया है रेलवे स्टेशन से मुरुडेश्वर टेंपल तक। तो ये कुछ व्यू है मुरुडेश्वर टेंपल के बाहर का। ये मेन गेट है, यहाँ से हमको अंदर जाना है और वहाँ से आगे से हम लोग बाहर आएंगे। तो चलो जाते हैं सुबह सुबह। एक्चुअली मंदिर जो है वो सुबह सुबह 6 बजे खुलता है, और अभी क्राउड बनने लगा है आगे, वहाँ से लाइन लगी है। तो ये है मेन बीच मुरुडेश्वर टेंपल का। तो चलो हम लोग अंदर टेंपल पहले एक्सप्लोर करेंगे, अंदर जाएंगे, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ कितना ये ऑसम लग रहा है, मोबाइल से उतना ये नहीं आएगा। सो पार्किंग वहाँ पे अवेलेबल है बहुत सारी, वहाँ पे बाहर से भी, और पार्किंग के लिए भी प्लेस है यहाँ पे, और पार्किंग बिल्कुल फ्री है। और यहाँ से लाइन शुरू होती है, ये सब लोग यहाँ पे बहुत सारे फोटोज ले रहे हैं। अंदर जाने से पहले हमको चप्पल्स यहाँ पे निकालना है, देखते हैं उनका क्या प्राइस है। तो ये कुछ उनका चप्पल का काउंटर है, 5 रुपीज़ पर पैर। तो हम लोग आगे जाएंगे। ये एलिफेंट बहुत बड़े हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर ऊपर जाने के लिए एक उनका लिफ्ट रहता है, तो अब हम लोग वो ट्राई करेंगे पे करके, देखते हैं क्या पे है उनका। लगता है 20 रुपीज़ का कुछ पे है लिफ्ट एंट्रेंस। हाँ ओके। और यहाँ पे आप प्रसाद या कुछ फ़ोटो बिटो ले सकते हैं, लड्डू बिड्डू 25 रुपीज़, और लिफ्ट का चार्ज रहेगा 20 रुपीज़, चिल्ड्रंस के लिए 10 रुपीज़। चलो देखते हैं सर कितना फ्लोर रहता है इसको। 18 18 18। सो ये 18 फ्लोर रहते हैं, और हम लोग यहाँ से जाएंगे अभी। किधर जाना है? ओके, तो आप स्टेप्स पे भी आ सकते हैं, लेकिन स्टेप्स से उनका अभी बंद है, लिफ्ट से ही आते हैं। पर पर्सन 20 रुपीज़ उनका चार्ज रहता है, और यहाँ से देखेंगे हमको क्या व्यूज़ मिलते हैं। हो तो ये कुछ लिफ्ट से हम लोग ऊपर आए, और ये कुछ हमको व्यू मिल रहा है, और काफ़ी सुंदर लग रहा है। विंडो ओपन है उनका, क्योंकि ऊपर एक बहुत बड़ा डेंजर है। सो ये कुछ व्यू है दूसरे साइड से, अदर साइड ऑफ द बीच। ये कुछ देखिए दूसरे साइड से बीच का व्यू है। यहाँ पे कुछ वाटर स्पोर्ट्स चल रहे हैं उनके, और ये कुछ वॉल है, और ये नीचे वाटर स्पोर्ट्स चालू है। बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है बीच का। हम लोग लिफ्ट से बाहर आ चुके हैं और अभी अंदर जाएंगे। तो फिर ऊपर आने के बाद एक कुछ व्यू मिलता है बीच का, और ये कुछ उनका आगे से स्तंभ लगा है।
तो चलो हम लोग अभी अंदर जाते हैं। तो फिर ये कुछ उनका प्रसाद और खाने का काउंटर रहता है। सो ये देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो ये प्रसाद के लिए लोग रुके हैं। लोग आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी बहुत होते हैं, स्कूबा डाइविंग, नेत्रावनी, और बाद में ये मंदिर होने के बाद थीम पार्क के लिए हम लोग जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स लाइनिंग, और देखिए वहाँ पे क्राउड देखिए कितना रहता है। सो बहुत सारा क्राउड है यहाँ पे आता है अर्ली मॉर्निंग, एंड यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स और बहुत कुछ रहता है। यहाँ पे बीच रेस्टोरेंट भी है, ये थीम पार्क में देखेंगे अंदर जाके क्या हमको देखने को मिलता है। शायद वहाँ पे म्यूज़ियम रहेगा, तो देखते हैं। तो आप देखेंगे ये मंदिर को अराउंड 1800 ईयर्स हो चुके हैं, एंड दिस इज़ द सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ महादेव इन द वर्ल्ड। ओके सो चलो स्टेप्स से ये व्यू आता है। सो नाइसली ये डिज़ाइन किए गए हैं स्टेप्स, यहाँ पर रुक के ही सारा पूरा व्यू आता है। और यहाँ पे देखिए ये जो एक स्टोरी उन्होंने दिखाई है, जो खड़े हैं शिवलिंग लेके, वो रावण है। रावण जी वो गणपति को शिवलिंग देते हैं, और गणपति वो शिवलिंग जमीन पे रखते हैं। सो ये स्टोरी है, देखेंगे अंदर जाके। टिकट्स निकालना है चिल्ड्रंस के लिए 10 रुपीज़ और एल्डर्स के लिए 20 रुपीज़ पर पर्सन। तो यहाँ से हमको अंदर जाना है। हाँ अंदर दिखते हैं, म्यूजियम में मिलेगा देखने के लिए, वो स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं।
यहाँ पे आगे जाके पार्क में ये रथ भी देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर रहता है। अभी कलर थोड़ा उनका डाउन हो गया है, लेकिन वो बहुत ही सुंदर दिखता है। बाद में ये देख सकते हैं आप रथ, और वहाँ पे पीछे एक सन का रथ है, वो भी आप यहाँ के जाके फ़ोटो खींचा सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको म्यूज़ियम में मिलेगा। और तो टेंपल के साइड में ही आपको ये उनका शॉपिंग सेंटर मिलेगा, मार्केट जतरा की तरह। तो कपड़े और गॉगल्स और बहुत कुछ यहाँ पे शॉप्स मिलेंगे। यहाँ पे ये लोग बसेस हो कार हो ऑलमोस्ट बीच पर लेके जाते हैं। तो बस ऑलमोस्ट बीच के अंदर है, यहाँ पे और एक बस आ रही है। और यहाँ की जो रेत है वो कड़क है, यहाँ पे दब नहीं रहे हैं। अगर आप गोवा में देखेंगे तो रेत काफ़ी लूज रहती है और दब जाती है, लेकिन यहाँ की रेत काफ़ी हार्ड रहती है कर्नाटका। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, बट लिटरली यहाँ पे कार बाइक्स और बसेस बीच पर लेकर जाने के लिए अलाउड है, और काफ़ी स्पोर्ट्स भी यहाँ पे चालू है। तो नेत्रावनी एडवेंचर्स बोल के एक फेमस उनका वाटर स्पोर्ट्स है, वो लोग स्कूबा डाइविंग और बहुत कुछ स्पोर्ट्स कराते हैं। फिशिंग चलती है और ऐसे बोट्स लेके वो लोग फिश लेके आते हैं, और बाद में तो ऐसा फिश आता है, और बाद में ये आंटी अभी मार्केट में जाके बेचेंगी फिश। हाँ, फिश पे मरे हुए क्रैब्स बहुत काफ़ी मिलेंगे, क्रैब्स यहाँ पे ज़्यादा कोई खाता नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे फिश आप देख ही सकते हैं कितना फिश मिलता है उनको, और वो ड्रम भर भर के वो लोग लेके जाते हैं। ये देखिए कितना सब मैकरेल लगा है, बांगड़ा। तो अभी मार्केट में जाते हैं ये लोग, लेडीज लोग, और उनका फिश बेचते हैं। ये कुछ फिश लगा है, सो ऐसा कुछ ये बीच पे वहाँ पे देखने को मिलेगा। एक साइड से वो लोग उनका फिशिंग रहता है, और वो साइड से उनका वाटर स्पोर्ट्स एंड ऑल। तो ये अंकल निकाल रहे हैं फिश, और ये देखो कितना सारा फिश उनको लगाए।